क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि ए इक्वल टू में दिया है आर क्रॉस आर। अच्छा, आर और आर के कार्टिशन, आर क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर और रियल नंबर के कार्टिशन प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई, यहाँ पे देखिए ऑर्डर पे अरेंजमेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे ए किसके इक्वल है, आर क्रॉस ए आर के, इन दोनों के कार्टिशन प्रोडक्ट के। तो ये कैसे ऑपरेट हो रहा है, तो पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ ऐड हो रहा है, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ, सो दैट द ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। एंड क्या करा आगे, फाइंड द बाइनरी एलिमेंट ऑफ स्टार ऑन ए इफ एनी, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे बाइनरी की जगह पे आप आइडेंटिटी कर देना, ठीक है, ऐसे तो बाइनरी से भी कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिटी कर देना, ऐसे आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार ऑन ए इफ एनी। चलिए देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम लोग कम्यूटेटिव चेक करते हैं, फॉर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव की बात करेंगे तो मुझे इसमें दिखाना होगा ए बी ऑपरेशन सी डी इक्वल होना चाहिए, सी डी ऑर्डर पेयर ऑपरेशन में ए बी, फॉर ऑल ए बी और सी डी जो ऑर्डर पेयर है यह बिलोंग करेगा किससे, सेट ए से, यानी आर और आर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो इसका एलएचएस लेते हैं, एलएचएस में है आपका ए बी ऑपरेशन सी डी, कैसे ऑपरेट होगा, तो हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट के साथ फर्स्ट कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, फर्स्ट कंपोनेंट के प्लेस पे लिख देंगे और सेकंड कंपोनेंट का है, सेकंड कंपोनेंट का आरएचएस लेते हैं, आरएचएस में है आपका सी डी ऑपरेशन में ए बी, तो कैसे ऑपरेशन होगा यहाँ पे, तो सी प्लस ए और यहाँ पे डी प्लस बी। तो हम लोग ये ऑर्डर पेयर इक्वल दिखाने के लिए हमें दिखाना होगा कि पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के इक्वल है और दूसरा दूसरे के, तो हम लोग को यहाँ पे पता है कि ए प्लस सी सी प्लस ए के इक्वल होगा, है ना, रियल नंबर के लिए, और बी प्लस डी डी प्लस बी के इक्वल होगा, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, है ना। रियल नंबर का जो सम होता है वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब यह हुआ ये जो ऑर्डर पेयर हो रहे हैं ए ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी और सी प्लस ए कॉमा डी प्लस बी, ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इसका फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल है और सेकेंड वाला सेकेंड के, तो जब ये ऑर्डर पेयर इक्वल हो जा रहा है इसका मतलब ये इक्वल हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी ऑपरेशन सी डी इक्वल है सी डी ऑपरेशन ए बी के, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू सेट ए, तो लिख सकते हैं देयर फॉर ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ऑन ए, तो ये कम्यूटेटिव हो गया। अब एसोसिएटिव देखते हैं, चलिए तो अब हम लोग एसोसिएटिव की बात करते हैं, यहां चलते हैं फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए मुझे क्या करना होगा, यहां दिखाना होगा ए बी ऑपरेशन में सी डी और बाहर एक और एलिमेंट लेंगे ऑर्डर पेयर में ई एफ, इक्वल होना चाहिए ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ, फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ, ये तीनों ऑर्डर पेयर किससे बिलोंग करेंगे, सेट ए से, समझे ना। चलिए चलिए तो अब इसका एलएचएस पहले लेते हैं, एलएचएस लीजिए, एलएचएस में है आपका ए बी ऑपरेशन में है आपका सी डी ऑपरेशन ई एफ, तो पहले हम लोग अंदर ऑपरेट करेंगे तो क्या जाएगा ए प्लस सी और कॉमा में बी प्लस डी, फिर ऑपरेशन में है आपका ई एफ, तो इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे इन दोनों ऑर्डर पे का, तो आ जाएगा ए सी ई फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड हुआ, सेकेंड वाला सेकेंड वाले के साथ। चलिए अब इसका आर एच एस लेते हैं, आर एच एस में आया आपका ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ, यही ना है, चलिए तो यहाँ पे ए बी ऑपरेशन इन दोनों के बीच का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, तो सी ई और फिर यहाँ पे डी प्लस एफ, यही ना हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का ऑपरेशन ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ,
समझ गए, ये दोनों तो सेम ही आ गया ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी ऑपरेशन में सी डी ऑपरेशन ई एफ इक्वल हो जाएगा ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ के, ठीक है। फॉर ऑल ऑर्डर पे ये जो तीनों है ए बी सी डी ई एफ किससे बिलोंग करेंगे, तो सेट ए से। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑपरेशन जो ऑपरेशन स्टार हो रहा है इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ऑन ए, समझ गए। अब इसके बाद इसमें क्या रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकलना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑर्डर पे में लेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द गिवन ऑपरेशन, ऑफ द गिवन ऑपरेशन, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट लिए हैं तो हम लोग कोई ए बी एलिमेंट लेके ऑपरेशन करें एक्स वाई के साथ। ये आइडेंटिटी एलिमेंट लिए हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा ए बी ही आना चाहिए, या एक्स वाई के साथ ऑपरेशन करें ए बी ऑर्डर पेयर का तो हमें ए बी ही मिलेगा, क्योंकि ये एक्स वाई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से ही। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन में एक्स वाई, सॉरी ए बी ऑपरेशन में एक्स वाई इक्वल टू में ए बी, और इसको लिख सकते हैं एक्स वाई ऑपरेशन में ए बी इक्वल टू में ए बी। तो चलिए अब यहाँ आप सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करके आ जाएगा। तो ऑपरेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट का ऐड करेंगे सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ। तो हमें पता है कि इसका अगर ये ऑर्डर पर इक्वल हो रहा है तो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा और सेकंड कंपोनेंट के। तो यहाँ से x का वैल्यू जीरो और यहाँ से y का वैल्यू जीरो, यहाँ पे उसी तरह से x प्लस ए और यहाँ कॉमा y प्लस बी हो जाएगा ऑपरेशन करेंगे तो, और इधर है ए भी। तो यहाँ ये ऑर्डर पेयर इक्वल है, इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल और सेकंड कंपोनेंट के। यहाँ से x का वैल्यू जीरो और y का वैल्यू भी जीरो, तो x जीरो y जीरो आ गया, यानी कि यही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट था ना जी x y ऑर्डर पेयर में। यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, जीरो जीरो, समझ गए। तो यही आपके थे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन।